राजद के राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह यानी कि एडी सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और सीबीआई ने भी कुछ समय पहले ही उन पर एक मामला दर्ज किया था। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से चुनाव के दौरान एडी सिंह को आगे रखकर एक खास जाति को साधने की कोशिश होती रही है। अमरेंद्र धारी सिंह को ईडी ने खाद घोटाले में जांच के दौरान गिरफ्तार किया है। अमरेंद्र धारी सिंह को लालू प्रसाद यादव के करीबियों में से एक गिना जाता है और अब उनकी गिरफ्तारी के बाद से राज्य में राजनीति गरमाई हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने जिस मामले में गिरफ्तार किया है उसका तार दुबई से भी जुड़ा हुआ है। सबसे जरूरी बात कि अमरेंद्र धारी सिंह को किसी सांसद के तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया है बल्कि एक फर्टिलाइजर कंपनी में उच्च पद पर बैठे होने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला क्या है और कैसे अमरेंद्र धारी सिंह का नाम इसमें आया और इनके साथ साथ सीबीआई के जांच में और कौन कौन लोग शामिल हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जागरण का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। भारत सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने के आरोप में किन किन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, सबसे पहले आप उनका नाम सुन लीजिए और जान लीजिए कि वह किस पद पर कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो अमरेंद्र धारी सिंह यानी कि एडी सिंह के बारे में जान लीजिए। अमरेंद्र धारी सिंह को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उनके ऊपर दुबई स्थित एक फर्टिलाइजर कंपनी जिसका नाम मेसर्स ज्योति ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है उसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने का आरोप लगा है। पूरा मामला फर्टिलाइजर घोटाले से जुड़ा हुआ है। आरोप लगा है कि सब्सिडी के नाम पर भारत सरकार के करोड़ों रुपए को कुछ कंपनियों ने मिलकर चूना लगा दिया और उसमें राजद के सांसद अमरेंद्र धारी सिंह का नाम भी शामिल है। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक इफको और इंडियन पोटास लिमिटेड कंपनी के खिलाफ सीबीआई को शिकायत मिली थी जिसके बाद से सीबीआई ने कार्रवाई शुरू की और फिर कुछ ऐसे सबूत मिले जिसमें करोड़ों रुपए की हेरफेर की बात सामने आई है। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई के सामने इफको के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यूएस अवस्थी के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ा एक मामला सामने आया और फिर सीबीआई की तरफ से उन पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया गया और फिर इसके बाद से अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। सीबीआई की तरफ से जो एफआईआर दर्ज किया गया था उसमें एडी सिंह का नाम भी शामिल था। ईडी की तरफ से इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब अगर राजद सांसद एडी सिंह के बारे में बात करें तो 90 के दौर से ही वे फर्टिलाइजर्स के आयात और निर्यात से जुड़े हुए हैं। राजद सांसद की बात करें तो वे कई निजी कंपनियों के लिए खाद आयात भी करते हैं और उसे कई दूसरे देशों में निर्यात भी करते हैं। अमरेंद्र धारी सिंह लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और राजद की तरफ से भूमिहार जाति को लुभाने के लिए उन्हें हर बार आगे किया जाता रहा है और माना जाता है कि भूमिहार जाति को लुभाने के लिए ही राजद की तरफ से उन्हें राज्यसभा में भेजा गया। एडी सिंह के बारे में बताया जाता है कि वे रियल इस्टेट के बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं और उनका कारोबार दुनिया भर के 13 अलग अलग देशों में भी फैला हुआ है। अब आपको वो सारे नाम बता देते हैं जिनके ऊपर सीबीआई की तरफ से मामला दर्ज किया गया है। पहला नाम एडी सिंह का जिनके बारे में हम बता रहे थे, दूसरा नाम है यूएस अवस्थी का जो इफको के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं, एक नाम है परविंदर सिंह गहलोत का जो इंडियन पोटास लिमिटेड कंपनी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। इसके अलावा यूएस अवस्थी के बेटे अमोल अवस्थी और अनुपम अवस्थी का नाम भी इसमें शामिल है। एक और नाम है विवेक गहलोत का जो परविंदर सिंह गहलोत के बेटे हैं। इसके अलावा भी कई अन्य लोगों का नाम दर्ज है तथा इसको इफको कंपनी के कई अधिकारी और कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं जो फिलहाल अभी अज्ञात हैं। उनके खिलाफ जांच आगे बढ़ रही है और जो जो जांच आगे बढ़ेगी और जिन लोगों को इसमें दोषी पाया जाएगा उनका नाम मामले में दर्ज किया जाएगा। अब खबर के मुताबिक सीबीआई के साथ साथ ईडी भी इस मामले में काफी तेजी से जांच करेगी और बाकी के आरोपियों को भी समय आने पर गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल बिहार में एडी सिंह की गिरफ्तारी के बाद से राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। अब सत्ता पक्ष की तरफ से राजद के ऊपर हमला करने का एक मौका मिल गया है। हो सकता है कि अब सरकार यानी कि सत्ताधारी जो पार्टियां हैं उनके तरफ से राजद सांसद पर और इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर हमला बोला जाए। फिलहाल आगे देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होती है और राष्ट्रीय जनता दल के जो सीनियर नेता है उनका इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। आगे जो कुछ जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह, धन्यवाद।